ऐसे बीमारी से अगर बचना हो तो पहले ही आप टेस्ट जितना भी आप फुल बॉडी चेकअप के लिए जो बताया गया है उन सबको पहले करवा लीजिए। मान लीजिए किसी के पिता को थायराइड है तो उसके बच्चे में ट्रांसफर होता है, लेकिन बच्चे अगर एक्टिव है तो दिक्कत नहीं होता है। लेकिन बच्चे क्या है कि मोबाइल दे दीजिए, अपना मस्ती से बैठे हुए अपना काम कर रहा है। तो क्योंकि आजकल बच्चे में ही लोग का लगभग 10-12 वर्ष में थायराइड का प्रॉब्लम हो जा रहा है। हेलो माय डियर्स, मैं ऐसा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेस्ट होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं फुल बॉडी चेकअप के बारे में, इसे हम लोग रूटीन हेल्थ चेकअप भी कहते हैं। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इस चेकअप के माध्यम से आप बीमारी के पहले अलर्ट हो सकते हैं। बहुत लोग क्या होता है कि बीमारी होने के बाद ही अलर्टनेस दिखाता है, जैसे शुगर किसी का बढ़ेगा दूसरों के पार, तब वो आलू मिठाई चाय वगैरह नहीं पिएगा, लेकिन उससे पहले वो सब कुछ करता है। तो क्यों ना हम पहले ही बॉडी को चेकअप करा लें जिससे कि हमें आने वाले बीमारी का पता चल सके। लगभग एक आदमी को साल में एक बार ब्लड चेकअप जरूर करना चाहिए, कुछ बीमारी हो या नहीं हो। इससे क्या होता है कि हमें बीमारी से अवेयरनेस हो जाता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, डॉक्टर के पास जाने से बच सकते हैं। तो फुल बॉडी चेकअप के लिए अलग अलग सब जगह रेट होता है। जैसे आपका कोई बड़ा सिटी में गए तो वहाँ का रेट 5,000-6,000 तक लेता है। ऐसे कभी ऑफर निकलता है तो 1,000-1,500 तक में फुल बॉडी चेकअप होता है। फुल बॉडी चेकअप के लिए हमें फास्टिंग ब्लड ही बढ़िया होता है, यानी खाली पेट वाला ब्लड जो होता है अच्छा, क्योंकि उसमें सब चीज रियल दिखाएगा। तो बॉडी का जो ब्लड चेकअप होता है, हेल्थ चेकअप होता है, इसमें CBC आता है, इसका मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें हम लोग ब्लड का अलग अलग रेंज को देखते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन, RBC, प्लेटलेट, WBC, इसके अलावा MCHC, MCB, PCB, इस तरह से 14 टोटल इसमें CBC में आता है, जिसको हम लोग देख करके पता करते हैं कि ब्लड का क्या कंडीशन है। इसके अलावा आपका दूसरा नंबर में LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट। इसमें हम लोग चेक करते हैं लीवर के फंक्शन के बारे में, जैसे कि हो गया बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, SGPT, SGOT, सोडियम फास्फेटेज, एल्बुमिन, इन सब टेस्ट को हम लोग करते हैं LFT में। KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट, यानी इसमें हम लोग देखेंगे किडनी के सभी फंक्शन के बारे में कि किडनी प्रॉपर तरीके से यूरिन को बना रहा है कि नहीं। GFR रेट देखेंगे इसमें, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यूरिया, यूरिक एसिड, नाइट्रोजनस वेस्ट और एमिनो एसिड देखेंगे इसमें, पारा एमिनो ह्यूरिक एसिड देखेंगे, एल्बुमिन देखेंगे, पस सेल देखेंगे, एपिथेलियल सेल देखेंगे, इन सब को हम लोग KFT में देख पाते हैं। इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, यानी कि इसमें देखते हम लोग हैं कि किस तरह से हमारा बॉडी में फैट का लेवल है। इसमें 5 को आता है, LDL, HDL, VLDL, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, इस 5 को देखते ताकि हमारा बॉडी का जो आर्टरी वेन है इसमें अगर ब्लड जमा हो, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए तो हमें हार्ट ब्लॉकेज की समस्या हो सकती है। तो हार्ट से रिलेटेड जो बीमारी होता है उसमें हम लोग लिपिड प्रोफाइल टेस्ट को करवाते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करवाइए, इसमें आता है। इससे क्या होता है कि बॉडी में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम क्लोराइड, आपका सल्फेट का लेवल कितना है ये मालूम चल जाएगा आपका इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट में। ब्लड शुगर टेस्ट करवाना जरूरी होता है आपका फुल बॉडी चेकअप में आता है, क्योंकि इससे आपको डायबिटीज है या नहीं है वो मालूम चल जाएगा। तो इसको हम लोग HbA1c भी कहते हैं, या इसी को हम लोग ब्लड शुगर टेस्ट बोलते हैं। जो हम लोग फास्टिंग अलग होता है, रैंडम अलग होता है और फास्ट पार्टनर अलग होता है। फास्टिंग का मतलब जो आप खाली पेट में ब्लड टेस्ट करवाते हैं शुगर के लिए, और रैंडम का मतलब जिस कंडीशन में हो आप उसको बोलते हैं रैंडम ब्लड शुगर, RBS, और PP का मतलब पोस्ट पार्टनल, इसका मतलब खाना खाने के बाद। ये टेस्ट भी करना चाहिए ताकि ब्लड शुगर लेवल माउंट चल सके और डायबिटीज से आप बच सकें। इसके अलावा आपका आता है PFT, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, यानी लंग्स में क्या एक्टिविटी हो रही है उसको चेक हम लोग PFT में, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में करते हैं। इसमें चेक करेंगे हम लोग कि भाई का टोटल लंग वॉल्यूम कितना है, जैसे कि लंग वॉल्यूम आता है टाइडल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टोटल लंग वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी, ये सारा कुछ वाइटल कैपेसिटी, ये सब जो होता है टेस्ट आपका आता है PFT, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में। थायराइड प्रोफाइल टेस्ट, हम लोग थायराइड प्रोफाइल टेस्ट को भी
करना होता है, क्योंकि आजकल बच्चे में ही लोग का लगभग 10-12 वर्ष में थायराइड का प्रॉब्लम हो जा रहा है, और बच्चे सुस्त जो पड़े हुए होते हैं, इस सुस्तीपन के कारण क्या होता है, बच्चे में थायराइड की मात्रा बढ़ते चली जा रही है। मान ले किसी के पिता को थायराइड है तो उसके बच्चे में ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन बच्चे अगर एक्टिव रहे तो दिक्कत नहीं होता है, लेकिन बच्चे क्या है कि मोबाइल दे दीजिए, अपना मस्ती से बैठे हुए हैं, अपना काम कर रहा है। आजकल आउटडोर गेम खेलना बिल्कुल बंद हो चुका है, बाहरी गेम खेलता नहीं है, तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, और थायराइड ग्लैंड का जो फंक्शन है वो डिसफंक्शन रुक गया है, इस कारण से हॉर्मोन्स रिलीज नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए क्या होता है कि बच्चे में थायराइड की समस्या 10-12 साल से स्टार्ट हो जाता है। इसलिए थायराइड में हम लोग TSH, T3, T4 को जांच करवाते हैं, जिससे कि हमें मालूम चल सके कि थायराइड का क्या कंडीशन है। इसके अलावा विटामिन डी और विटामिन B12, ये हमारे बोन के एक्टिविटी को, और विटामिन B12 जो होता है वो नर्व की एक्टिविटी को चेक करता है, तो हमें इस सब टेस्ट को भी करना जरूरी होता है। इसके अलावा ट्रेडमिल टेस्ट करवाइए, TMT, इससे हार्ट की क्या एक्टिविटी है वह मालूम चलेगा। ECG भी करवाइए पूरा फुल बॉडी चेकअप में। इसके अलावा आपका कुछ ऑर्गन्स का जहाँ दिक्कत हो वहां पर आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, अदरवाइज अल्ट्रासाउंड की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी फुल बॉडी चेकअप में। तो इन सब टेस्ट को आप फुल बॉडी चेकअप में इंक्लूड कीजिए और डॉक्टर से करवाइए, ताकि जा करके आपको बीमारी से पहले सावधानी मिल जाए और आप सावधान हो जाइए और बीमारी से लड़ने की पहले से योजना बना लीजिए। मान लीजिए एकाएक कोई आंधी तूफान आता है और उस समय आदमी कहेगा घर बनाएंगे, संभव नहीं है, तो घर को पहले से बना कर तब जाकर के आंधी तूफान में आपको दिक्कत नहीं होगी। वैसे ही बीमारी से अगर बचना हो तो पहले ही आप टेस्ट जितना भी है फुल बॉडी चेकअप के लिए जो बताया गया है उन सबको पहले करवा लीजिए, ताकि आपको बीमारी होने से पहले उस चीज का अनुमान लग जाए और आप दवा खा के बॉडी को मेंटेन करके, फिजिकल एक्टिविटी करके, एक्सरसाइज करके, डाइट कंट्रोल करके आप जो बीमारी से निजात पा लें। तो हमारा मेन मकसद है आपको जागरूक करना और आपको इस सब ज्ञान के बारे में बताना, ताकि आप बीमार पड़ने से पहले ही हर चीज के बारे में जान जाइए। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।